तो मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहूंगी कि आपको आमंत्रण मिला है, आप जा रहे हैं राम जी के दर्शन करने के लिए, राम आएंगे आएंगे सब कह रहे थे, राम आ चुके हैं, कितने आप उत्साहित हैं, क्या क्या तैयारियां आपकी तरफ से की गई हैं राम जी से मिलने के लिए? मुझे लगता है कि भारत के 145 करोड़ लोग और सनातन संस्कृति के लोग जहाँ भी इस पूरी दुनिया में रहते हैं, इस दिवस का उन्हें बहुत इंतजार था और वो पूर्ण हुआ है। सभी चाहते हैं वो अयोध्या जाना, सभी चाहते हैं राम से मिलना, और जो जहाँ है अभी स्थिति ये है कि सबके हृदय में राम आ चुके हैं और वो अपने घर को, अपने परिवार को, मोहल्ले को, गांव को भी अयोध्या समझकर खूब दीपावली उत्साह उमंग के साथ मना रहा है। मैं भी जा रहा हूँ अयोध्या और जाकर उस दिव्य पल का साक्षी बनूंगा जिसके लिए हमारी कई पीढ़ियों ने बलिदान दिया है। संत हो, राजनीतिज्ञ हो, साधारण मनुष्य हो, सभी ने बहुत बलिदान दिया है। उन सबको बहुत आनंद मिलेगा। हमारे हिंदू शास्त्र में, सनातन शास्त्र में, वो सब पूर्वज हमारे देख रहे होंगे ऊपर से और वो बड़े आह्लादित होंगे। देवी देवता, नाग, पुंसवन, किन्नर सब देखेंगे। 14 वर्ष के बाद, भगवान राम के आने के बाद जो दीपावली मनी थी, मुझे पक्का विश्वास है कि ये करीब करीब 496 साल के बाद ये जो दीपावली आ रही है, तो देवी देवता भी देखेंगे तो जरूर राम जी को कहेंगे कि राम जी ये वाला बड़ा है, ये उससे बड़ा दीपावली बहुत बड़ा दिन। देश में इसे एक त्यौहार की तरह मनाया जा रहा है। देखा हर जगह जो है बहुत सारे लोग उत्साहित हैं, लेकिन कुछ लोग देखा जाए तो महाराज जी ना खुश भी हैं। कुछ लोगों को आमंत्रित नहीं किया गया है। बहुत सारे लोग आमंत्रित हैं, बहुत सारे लोग आमंत्रित नहीं हैं। तो जो आमंत्रित नहीं है, अपनी जो है नाखुशी वो बहुत सारी सोशल मीडिया के थ्रू, वो दर्ज करा रहे हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पहली बात तो ये है कि 145 करोड़ की आबादी और मुश्किल से निमंत्रण 1 लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख लोगों को हुआ होगा। बहुत मुश्किल से सभी जा रहे थे सत्य, परंतु जो जहाँ है, एक तो निमंत्रण को लेकर के आपने देखा होगा, मैं पिछली कई बार भी जब मीडिया पर आए उसे बार बार पूछा गया आप जा रहे हो, मैं बोला मेरा हृदय अयोध्या में, क्योंकि ये कहना भी कि मैं निमंत्रित हूँ नहीं हूँ, उन करोड़ों लोगों के लिए, हम सब भारतवासी एक जैसे भी, इनमें से कुछ लोगों को चुना गया होगा किसी कारण से और कुछ लोग छूट गए होंगे। इतना बड़ा देश है, इतने बड़े बलिदानी लोग होंगे, उनके परिवार के लोग, अच्छे लोग छूट गए होंगे, पर मुझे लगता है जब बहुत बड़े आयोजन होते हैं तो बड़े दिल से, चूँकि राम सबके हैं और जो नहीं जा पा रहे हैं वो भी अपने घरों से ही भगवान राम के, और आज के इस टीवी चैनल के युग में कुछ अछूता तो रहेगा नहीं, सब घर बैठे ही देखेंगे, आनंद लेंगे, उत्साह मनाएंगे। जिनको मिला और नहीं जा रहे हैं उनके लिए भी मैं ये नहीं कहूँगा कि वो दुर्भाग्यशाली हूँ, मैं कह सकता हूँ कई बार हमारे गाँवों में, घरों में, मोहल्लों में सत्यनारायण भगवान की पूजा होती थी तो मोहल्ले वालों को सब हम निमंत्रण देते, उसमें से कुछ नहीं आते थे। इसका मतलब ये नहीं कि वो सत्यनारायण भगवान के विरोधी हैं, हो सकता है हमसे उनका संबंध ठीक नहीं, तो कुछ तो ऐसे लोग, परंतु जो लोग मीडिया पर आकर ये घोषणा कर रहे हैं मुझे निमंत्रण मिला इस कारण से मैं नहीं जाऊँगा, अब कुछ कारण या कुछ रीज़न तो अच्छे हो सकते हैं, पर ज़्यादातर रीज़न ऐसे हैं कि पहले दल का विरोध, फिर भारत का विरोध और अब राम का विरोध झलक गया उनके चेहरे पर। और मुझे लगता है आने वाले लोकतंत्र के महापर्व में, क्योंकि जनता के पास एक ही उपाय होता है लोकतंत्र के महापर्व में, वो राजनेताओं के और दलों के कृत्यों का जवाब देते, तो वो जवाब उनको मिले। यानी कि हम कह सकते हैं कि राम को लेकर भी राजनीति कर रहे हैं लोग। राम राजनीति के केंद्र है ही आज, और जिनके बारे में कहा जाता है कि राम को लेकर राजनीति कर रहे हैं, मैं कहता हूँ कि कम से कम इस मामले में उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में सदा इसको शामिल किया। उनकी सरकारें बर्खास्त हो गई, उनके मुख्यमंत्री को जाना पड़ा, लेकिन उन्होंने राम मंदिर नहीं हटाया और आज राम मंदिर बनकर इसी अयोध्या में तैयार है। सारा विश्व उत्सव और उत्साह के रूप में देख रहा है, तो इतना तो हम कह सकते हैं कि वो जो कहते हैं वो करते हैं। वो जितना कर सकते थे गिलहरी मान लो उनको, बाकी सुप्रीम कोर्ट है, जनता है, साधु संत है, सब कहते हैं केवल वही बनाए हैं क्या, लेकिन किसी आंदोलन को लीड कर रहे लोग, नेतृत्व कर रहे लोग, वही तो प्रेरणा भरते सब में। तो चाहे मैं आरएसएस को कहूँ, विश्व हिंदू परिषद को कहूँ, या प्रत्यक्ष रूप से
मुझमें कोई पाखंड दम्भ या ढोंग नहीं है कि मैं ये कहूँ कि मैं धार्मिक व्यक्ति हूँ तो राजनीति की बात नहीं करूँगा। राजनीति भी भारत के लोगों के लिए है, उनके उत्थान और उन्नति के लिए। धर्म भी लोगों के उत्थान और उन्नति के लिए है। तो ये पाखंड क्यों कि मैं राजनीति नहीं जानता? लोकतांत्रिक देश में रह के अगर कोई साधु कहे कि मैं राजनीति नहीं जानता, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं बच्चे भी पहचानते होंगे कि बाबा जानता तो सबसे बोलना नहीं चाहता। तो मैं जानता भी हूँ, समझता भी हूँ और बोलना भी चाहता हूँ, क्योंकि मेरा भी अधिकार एक वोट का है। हम पहले भारत के नागरिक हैं, फिर हम साधु हों, आप भारत के नागरिक हैं, फिर एंकर हैं, पत्रकार हों। तो इसी तरीके से राजनीति राम जी को लेकर के अब वो लोग कर रहे हैं जो एक्सपोज पूरी तरीके से नहीं हो पाए थे, लेकिन उनकी चाल बड़ी उल्टी सीधी है। केले के छिलके पर पाँव उनके पड़ गए हैं, मुझे लग रहा है वो पिसलते जा रहे हैं, हड्डी जब तक टूटेगी नहीं वो मानेंगे नहीं, एक्सपोज हो के रहेंगे, हो रहे हैं। अच्छा तो ये होता कि वो इस महान अवसर पर 145 करोड़ भारतीयों के साथ राम जो भारत की आत्मा है, भारत की संस्कृति हो, उनके सुर में सुर मिलाकर इस दिव्य उत्सव को अपने गांव, अपने नगर, अपने विधानसभा या अपने लोकसभा में मनाते तो शायद अगली बार उनके चांसेस ज़्यादा अच्छे होते।